ये फ्लैग दिख रहा है ये इंडियन आर्मी का है, और अगर आप उस तरफ देखोगे थोड़ा सा घूमोगे तो वो फ्लैग दिख रहा है रेड कलर का जो आपको दिख रहा है वो चाइनीज आर्मियों का है। जी अंकल तो गाइस यहाँ पे कैमरा नहीं चलाना है लेकिन मैं चला रहा हूँ। हेलो लुक हियर, व्हीकल नंबर पता है कितने, लुक हियर हेलो जी, तो क्या हाल चाल मेरे दोस्त, मेरा नाम है सौतिक महतो, वेलकम टू माय चैनल रियो सौतिक। तो वापस एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो गाइज अगर आप सबको नहीं पता है तो मैं कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रेवल बाई हिच हाइकिंग, जो कि आज तक शायद बहुत कम ही लोगों ने ही करा है। तो गाइज अभी जो प्रॉपर्टी दिख रहा है ये स्वामी का एक दोस्त का है, एक भैया का है, और यहाँ पे रात में हम स्टे किए थे। अब थोड़ा जा रहे हैं कि बाहर थोड़ा वॉक करके घूम के आते हैं और फिर उसके बाद बाइक वाइक का देखेंगे कि कहाँ जाना है। गाइज तो यहीं पे थे हम रात में, ये है होटल माइलस्टोन जो कि गैंगटॉक सिटी से लगभग 4 किलोमीटर ऊपर है। तो गाइज हम कल तो पैदल ही आ गए यहाँ पे, क्योंकि 4 किलोमीटर चलना क्या ही है, हम कल लगभग हम 18 किलोमीटर चले हैं हमारे उस बैग के साथ। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ सिक्किम का, मैंने जितना देखा गैंगटॉक सिटी में कि बहुत ही मतलब हैपनिंग जगह है, बहुत ही अच्छा जगह, लगभग गरीबी बहुत ही कम है, मतलब मान लो नहीं के बराबर ही है। क्योंकि यहाँ पे सिक्किम में एक चीज़ है कि सरकार की तरफ से यहाँ हर एक फैमिली में एक इंसान गवर्नमेंट जॉब में रहेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अगर फादर है तो सन नहीं होगा, लेकिन अगर सन है तो फादर नहीं होगा, कोई एक न एक गवर्नमेंट जॉब में ज़रूर रहेगा। तो इसीलिए शायद यहाँ पे लोगों को ज़रूरतें पूरी करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि ज़रूरतें तो ऐसी पूरी हो जाती है, यहाँ पे तो लोग बस शौक पूरे कर रहे हैं। और भी जितने सारे ये दिख रहे हैं होटल दिख रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम होटल जो है वो बंगालीज ओन करते हैं, होटल ओन करते हैं, बट ये प्रॉपर्टी यहाँ के लोकल का ही है, क्योंकि सिक्किम में बाहर का इंसान कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है। यहाँ पे जितने भी ये प्रॉपर्टी ये सारे सिक्किम के ही हैं बस, बट यहाँ पे जो इनको चला रहे हैं वो ज़्यादातर वेस्ट बंगाल या फिर बिहार इधर के हैं। सुबह से निकल गए हम, एक्चुअली हमारे वजह से थोड़ा लेट हो गया, वैसे हम तो रेडी हो गए थे और भैया ने कहा थोड़ा लेट कर दिया, क्योंकि भैया ने कहा कि आराम से सो जाओ, हम जब बुलाएंगे तब चले जाना। उसके बाद कैब करके इधर से फटाफट से आ गए, और एक्चुअली ये जगह है फ्लावर शो, कोई कुछ जगह है यहाँ पे, यहाँ तक हम कैब करके आए, फिर यहाँ से अब जा रहे हैं शेर वाली गाड़ी में घूमने। एक्चुअली हमारे वजह से थोड़ी लेट हो गई है, कोई बात नहीं यार, सह लेना। गाइस ये रहा, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सारे कोई जा रहे हैं शेयर करके जा रहे हैं आगे घूमने के लिए। तो गाइस यहाँ पे हम रुके हैं, यहाँ पे परमिट होने वाली है, ये भैया की गाड़ी है, परमिट करा के यहाँ पे कुछ खाने का भी ले लिया, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है और खाना भी कम रहता है। तो चलो फटाफट चढ़ जाते हैं यार, बहुत जल्दी है यहाँ पे हर चीज़ के लिए। गाइस आ गए फाइनली हम यहाँ पे नाथुला पास, और यहाँ पे गाड़ी से आते हैं तो गाड़ी नीचे चली जाती है, यहीं पे रुकना पड़ता है। तो चलो यहाँ पे ज़्यादातर आपको आर्मी की गाड़ियाँ ही दिखेगी। और ये है गाइस नाथुला पास, यहाँ पे थोड़ा बहुत सांस लेने का प्रॉब्लम होता है, अगर किसको बहुत भी ज़्यादा सांस लेने का प्रॉब्लम है तो वो नीचे से कपूर लेके आ सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन के थोड़े थोड़े सिलेंडर भी मिलते हैं। तो यहाँ से कुछ कुछ सीढ़ी चढ़ते हुए जाते हैं, गाइस मेरी भी थोड़ी हालत ख़राब तो होती ही रहती है, सीढ़ी चढ़ने से तो धीरे खराब लगता है। मत चलाओ। जी अंकल तो गाइस यहाँ पे कैमरा नहीं चलाना है लेकिन मैं चला रहा हूँ। तो गाइस हमें अभी नाथुला पास में, थोड़ी देर पहले हम ऊपर गए थे, ऊपर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है यहाँ पे, आप सब अपनी आंखों से देख सकते हो पूरा बॉर्डर, उस तरफ से पूरा चाइना बॉर्डर है। अब यहाँ से देखोगे ये जो पहाड़ दिख रहा है अभी तो कुआसा हो गया है, वरना उस साइड भी पूरा चाइना ही बॉर्डर है। ये आपको छोटा सा फेंस भी दिख रहा होगा, वो वहाँ झंडा दिख रहा है वो इंडियन आर्मी का है, वहाँ पे सारे आर्मीज बैठे हुए हैं, ये फ्लैग दिख रहा है ये इंडियन आर्मी का है, और अगर आप उस तरफ देखोगे थोड़ा सा घूमोगे तो वो फ्लैग दिख रहा है रेड कलर का जो आपको दिख रहा है वो चाइनीज आर्मियों का है। उनका थोड़ा बजट ज़्यादा लग रहा है क्योंकि उन्होंने देखो बहुत थोड़ा अच्छा बनाया। और ये देखो ये जो छोटा सा फेंस दिख रहा है यहाँ से, ये भी चाइना बॉर्डर है। तो गाइज अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो फिर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि हमारे जो इंडियन आर्मी है वो ब्रीफिंग करके सब कुछ बता देते हैं कि यहाँ पे कितनी लड़ाई हुई थी, क्या कितने लोग शहीद हुए थे, कितने वीर गाथा यहाँ से हुई थी। तो रियली प्राउड, बहुत अच्छा लगा हमारे यहाँ पे मेजर साहब से सुन के कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हुआ था, ऐसे इतने ज़्यादा लोगों ने शहादत दी है। तो गाइज़ अगर आप आ रहे हो डेफिनेटली इस जगह को ज़रूर आइएगा, उस तरफ आप चाइनीज़ आर्मी को भी देख सकते हो।
तो गाइज अभी यह है कि हमारा गाड़ी का लगभग 45 मिनट हमें टाइम दिया था कि आप घूम के आओ, उसके बाद वहाँ पे गाड़ी रहेगा, आपको गाड़ी पकड़ के फिर जाना है नीचे। तो गाइज हम भी थोड़ी देर में अभी नीचे जाएंगे और जाके फिर धीरे धीरे और भी कोई लेक है वो सब देखते देखते फिर जाएंगे नीचे। तो चलो गाइज चलते हैं। हेलो लुक यार, व्हीकल नंबर पता है कितने? लुक यार नो मैं मेरा मैं कौन मानो लो है योर व्हीलिंग है देख है उसने उसको पूछो क्या लग गया पीछे नीचे देख कहीं कहीं सर में या कहीं इंजरी हुई है एक बार आप ये जान लो। किधर किधर पेन उंडो नॉर्मल आ गया ना है पेट टोकला है सर्दी क्यों दोनों उंडो गाड़ी में पहले बिठा दो गाड़ी में बिठा दो गाड़ी में बिठा के। तो गाइस जैसे दिखा आपको कि यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन की कमी के लिए वो आराम गिर गए। अगर किसी को भी ऐसी दिक्कत है मतलब सांस लेने में दिक्कत है तो गाइज मैं तो बोलूंगा कि आप ऑक्सीजन जो सिलेंडर छोटी वाली होती है वो लेके आओ या फिर कपूर भी लेके आओ। अगर जिसको नहीं है उसके कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो गाइज बी अवेयर, कभी भी आ रहे हो ऐसी जगह हाई ऑल्टीट्यूड जगह आ रहे हो तो अपना ध्यान रखो। यहाँ पे अगर कुछ हो जाए तो फिर उसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, क्योंकि अपने को ही उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो गाइस जैसे देखो दीदी को लेके जा रहे हैं अंदर, क्योंकि अभी देखो इनका छुट्टी पूरा खत्म हो गया। ऐसे नहीं होना चाहिए, अगर अभी भी आ रहे हो तो फिर अपने साथ एक प्रिकॉशन लेके आना, क्योंकि अगर ऊपर जा रहे हो तो फिर अपना ध्यान रखना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आ गए हम बाबा हरभजन साहब के मंदिर के पास, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता ही है लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ बाबा हरभजन साहब के बारे में। इंडियन आर्मी के ही एक जवान थे, जब यहाँ पे लड़ाई हुई थी तो उसमें वो ये शहीद हो गए थे, लेकिन अभी भी इनकी इनको सैलरी मिलता है, इनकी छुट्टियाँ अप्लाई हुई जाती है, जो भी आर्मी में जो भी होता है सब कुछ इनको मिलता है, और माना जाता है कि ये अभी भी ड्यूटी करते हैं यहाँ पे बाबा हरभजन साहब। यहाँ पे बहुत टाइम से माना जाता है, इनके ऊपर एक मूवी भी है, अगर आप इंटरनेट में देख सकते हो कि मूवी भी इनके ऊपर बनाया गया है। तो इस जैसे देख लो ये रहा, चलो अंदर चलते जाके एक बार देख लेते हैं अंदर क्या क्या है। यहाँ पे हम इंडियन आर्मी के साथ अभी खाना खाने वाले हैं, और ये इंडियन आर्मी यहाँ पे खाना खिलाती भी है जैसे सबको दिख रहा है वहाँ पे फ्री, और यहाँ पे सिविलियन भी खा सकते हैं। तो गाइस हम भी आ गए यहाँ पे खाने, सब मिल बैठ के यहाँ पे सिविलियंस इंडियन आर्मी सब मिल बैठ के खाते हैं। बहुत ही अच्छा लगा ये सब देख के, क्योंकि आर्मी खिला भी रही है, बहुत ही अच्छा लगा। हम भी लाइन में लगे हुए, लाइन काफी लंबी हो गई है। गाइस फाइनली ले लिया खाना, और सारे लाइन में हर कोई ले रहे हैं और हम भी ले लिया, लेकिन खाना कुछ ज्यादा ही है और बहुत ही अच्छा खाना है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। लंबी लाइन लगी हुई है सब खा रहे हैं, तो सुमन खा के बताना कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। हमारे इंडियन आर्मी का खाना है तो बढ़िया होगा ही होगा, वैसे भी बहुत तेज भूख लग रही थी तो आके यहाँ पे खा लिया, अच्छी टाइमिंग भी थी क्योंकि लंच के टाइम पे आए तो खाना मिल गया, अब खा भी रहे हैं। मैं दिखाता हूँ क्या क्या है इसमें, चावल है, दाल है, एक आलू की सब्जी है, काले चने का सब्जी है, और पूड़ी सलाद बहुत कुछ दिया है, और साथ में सब गाइस खा लेते हैं, खा के बात करते हैं। फाइनली खाना वाना खा लिया, अभी पेट पूरा भर गया, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू इंडियन आर्मी कि हमें यहाँ पे खाना खिलाने के लिए। पता है मेरी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा होगा, कोई बड़ा अथॉरिटी, बट अगर सुन रहे हो तो थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे आस लेके आते हैं और खाने को मिल जाते हैं तो बहुत ही, क्योंकि खाना से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता एक इंसान को गिफ्ट देने के लिए ऐसे जगह में। और मैं लोगों को बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप आ रहे हो यहाँ पे खाना मिल रहा है तो कृपया करके खाना वेस्ट मत करना, जितना आपको चाहिए उतना ही लो, क्योंकि ऐसे जगह में खाना मिलना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, और अगर वेस्ट कर लिया तो फिर तो मतलब बेकार है, वेस्ट करना ही नहीं है।